अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उम्मीद सहर और आज हम आपके साथ एक ऐसा गुफ्तगू करने जा रहे हैं जहां में हमें पता चलेगा कि कुछ ज़हनी भी डॉक्टर होते हैं, उनको हम साइकोथेरेपिस्ट कहते हैं, काउंसलर भी कहते हैं। और वैसे भी जब हमारे पास कोई बीमारी होती है हम डॉक्टर के पास जाते हैं और वो हमें बताते हैं कि हमने कौन सी दवाई खानी है, उसका हल कैसे करना है। लेकिन जहन और दिल के जो मरीज़ होते हैं, मसलन जो कोई डिप्रेशन हो गई, एंगजाइटी हो गई, उसके लिए भी कुछ डॉक्टर्स हैं, उनको हम साइकोथेरेपिस्ट कहते हैं। और जो हमारे साथ एक गेस्ट हैं उनका नाम मिसबाह खान है, जिन्होंने साइकोथेरेपी पढ़ी है और काउंसलर भी हैं माशाल्लाह पाकिस्तान में भी और यहाँ में भी, और हमें कुछ अच्छी सी एडवाइस देने जा रही हैं और बताने जा रही हैं कि वो चीज़ है क्या और हम अपनी ज़िंदगी को कैसे संवार सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच, आप इतनी दूर से आई हैं, पाकिस्तान से आई हैं बल्कि, तो आप बताएं कि आपकी जो जर्नी शुरू हुई है साइकोथेरेपी की, वो कहाँ से शुरू हुई है और इसमें आपका दिल का लगाव कहाँ से लगा? साइकोथेरेपी में मैं क्या कैसे हादसाती तौर पे शामिल हुई थी। एक्चुअली मैं कर रही थी अपनी सोशल वर्क डिग्री 2007 तक, तो उसके दौरान हमें एक वॉलंटरी काम करना पड़ा। ठीक है, तो जो चैरिटी में मैं काम किया मुझे बड़ा अच्छा लगा, दिल को वो एक उसकी एक कहते हैं ना हुब लग गई मुझे, एक उसका जुनून हो गया। मैंने पता किया कि क्या है ये ना, व्हाट इज़ दिस वर्क। तो उसके बाद मैंने काउंसलिंग के बारे में थोड़ी सी रिसर्च की और मैंने अपने सोशल वर्क को अल्लाह हाफिज़ किया और थेरेपी के मैदान में छलांग मार दी। माशाल्लाह। लेकिन वैसे थेरेपी है क्या? क्योंकि मेरे ख्याल से डिप्रेशन ऐसी बीमारी है जो नज़र नहीं आती और मेंटल इलनेस ऐसी बीमारी जो नज़र नहीं आती और हम अक्सर लोगों कहते हैं नहीं उसको कोई मसला नहीं है, तुम चुप हो जाओ, तुम्हें क्या पता है, जिंदगी यू नो बस हंसो या करो, लाइक हम उसकी कैफियत समझ नहीं सकते हैं। तो आप हमें समझाएं कि इसके हम सिम्टम्स क्या होते हैं और हम इससे यू नो लाइक जो दूसरा बंदा जो शायद डिप्रेशन में जा रहे हैं मेंटल, हम उसको कैसे पहचान सकते हैं? डिप्रेशन एक्चुअली लास्ट स्टेज होता है, शुरू में होता है स्ट्रेस से शुरू होता है। स्ट्रेस इज़ एक्चुअली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें रोज़ कुछ ना कुछ सोचने, कुछ ना कुछ करने के लिए जस्तजू पैदा करता है, हमें इसमें काविश में हमारी मदद करता है। उसके अलावा फिर हम स्ट्रेस को जब मैनेज नहीं करते, जो एक हेल्दी है, जो हमारी सेहतमंद सोच का तरीका है, उसको फिर हम एंग्जाइटी में कन्वर्ट कर देते हैं। एंग्जाइटी ऐसी सोचें होती हैं जो हमारे पे हावी हो जाती हैं, हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते और उनको अपने ऊपर ज़िंदगी के ऊपर बहुत बड़ा उनके ऊपर एक क्या कह सकते हो असरअंदाज होना शुरू होता है, मनफी असरअंदाज। लेकिन स्ट्रेस को ये नहीं समझा जाता कि किसी को गुस्सा आ रहा है या वो बंदा बस ज़्यादा गुस्सा कर रहा है, लाइक इज़ इट वो सबसे ज़्यादा लाइक इंडिकेशन ही होता कि ये बंदा स्ट्रेस में जा रहा है? स्ट्रेस के बहुत ज़्यादा इंडिकेशंस होती हैं। स्ट्रेस एक अम्ब्रेला लेबल है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो इमोशनल डिस्टर्बेंसेस होती हैं। अच्छा, या एक इंसान बहुत ज़्यादा हंसना शुरू कर देगा, अच्छा, या बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देगा, बहुत ज़्यादा सोना शुरू कर देगा, बहुत कोई भी चीज़ जो मॉडरेशन या मियाना रवि से गुजर जाए वो स्ट्रेस के उसमें लेवल में आ जाती है। ठीक हो गया। तो जब एक इंसान अपनी वो क्या कह सकते हैं सोचों को मैनेज ना कर सके, स्ट्रेस होता है ना कि आपने एक जगह जाना है, टाइम पे जाना है, ठीक है, वो थोड़ी सी आपके अंदर वो एक मोटिवेशन आती है, थोड़ी सी एक बुरी गिरफ्तारी तो कह सकते हो आती है, जिसे साइकोलॉजी में कहते हैं फ्लाइट टू फाइट। एग्जैक्टली दैट्स फाइट एंड फ्लाइट सिंड्रोम होता है, वो एड्रेनलिन आपका पंप होता है। ठीक है, तो उसके अलावा जब होता है एंग्जाइटी जो जब आती है तो फिर खतरे की इलामत आनी शुरू होती है। इमेजिन करो कि ये तीन आप ट्रैफिक लाइट पे खड़े हो, ठीक है, स्ट्रेस इज़ ग्रीन, एंग्जाइटी इज़ एम्बर और जो डिप्रेशन है वो लाल है। अच्छा, ठीक हो गया। तो ये एक आसान तरीके से है, तो एम्बर जब आप लेवल पे पहुंचते हो तब एंग्जाइटी होती है। एंग्जाइटी के लेवल पे जब आप पहुंचते हो उस टाइम पे हर चीज़ जो होती है, हर सोच होती है वो बहुत बड़ी हो जाती है। वो होती है कि एक वो रेत का दाना पहाड़ बड़ा बनना शुरू हो जाता है। तो उस लेवल पे हमें जो है वो कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी अपने से, किसी प्यारे से, किसी प्रोफेशन से बात करना शुरू करें, जिसमें हम साइकोलॉजिस्ट भी, साइकाइट्रिस्ट एंड साइकोथेरेपिस्ट आ जाते हैं, जिनको आप ज़हनी माहिर नफ्सियात भी कह सकते हो, वो शामिल होते हैं। होता ये है कि जब आप एंग्जाइटी से क्रॉस करते हो तो डिप्रेशन में जाते हो। डिप्रेशन एक लास्ट स्टेज है। अच्छा, वहाँ पर आप एक मैं एक एग्जाम्पल दे सकती हूँ, आप अंधेरे कमरे में लेटे रहते हो और आपको कोई रोशनी दिन का नहीं पता, रात का नहीं पता, तो आपकी ज़िंदगी बिल्कुल एक अंधेरे मतलब कमरे के अंदर लापरवाह, अपनी हालत से, अपनी ग्रूमिंग से, अपने खुराक से, अपने रिश्तों से, अपने सब से दूर हो जाता है। अच्छा, ये एक स्टेज का वो तरीका है, यानी कि एक स्टेज के थ्रू जाते हो आप, स्ट्रेस से एंग्जाइटी, एंग्जाइटी से डिप्रेशन। कोई भी डायरेक्ट डिप्रेशन में नहीं जाता। तो आपने क्वेश्चन ही पूछा कि हमें किस तरह चलेगा कि एक इंसान स्ट्रेस्ड है। स्ट्रेस्ड मैंने कहा कि एक नॉर्मल है, लेकिन जब एंग्जाइटी में जाता है तब आपको आपके घर वालों को या आपके जो प्यारे हैं या आपके जो केयर गिवर्स हैं, जो भी हैं आपके रिलेशनशिप्स में, उनको थोड़ा सा एहतियात
थोड़ा सा ध्यान रखना शुरू कर दे, थोड़े गौर से देखो कि ये इंसान जो 2-3 घंटे अपनी नींद पूरी कर लेते, 4-5 घंटे नींद पूरी, अभी 12-12-13 घंटे के सो रहा है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, खुराक में कमी, वेट लॉस, नेगेटिव सेल्फ टॉक, जैसे अपने बारे में गलत बातें करना कि मैं तो काबिल नहीं हूँ, मेरी ज़िंदगी का बस यही मकसद है, ये उस तरह की बातें जो होती हैं ना, ठीक है, वो उसमें होती है। क्योंकि मेंटल इलनेस बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत ज़्यादा फैक्टर्स आते हैं। हमारी सोसाइटी में, हमारी कम्यूनिटी में अनफॉर्चुनेटली मेंटल इलनेस को रिकग्नाइज नहीं किया जाता। हमें वही चोट नज़र आती है जो दिख रही होती है, वो चोट नहीं नज़र आती जो दिख नहीं रही होती। आपने बड़ी अच्छी बात की है कि हम थोड़ी सी चोट, थोड़ा सा समय दे दो, हम डायरेक्ट डॉक्टर पास चले जाते हैं, या वो हमें कोई दवाई दे देते हैं। एग्जैक्टली, लेकिन इसकी दवाई कहाँ है? इसकी दवाई एग्जैक्टली, आपने कहा ना थेरेपी क्या है, थेरेपी एक्चुअली इसकी दवाई है। थेरेपी का मतलब ही दवा है, रेमेडी है, ठीक है। टॉकिंग थेरेपी, दिस इज व्हाट आई डू। हमारा मकसद ये होता है कि हम बैठ के जो वो जहनी उलझने होती हैं उनका सुलझन, उनकी उन जो उलझन को सुलझन की तरफ लेके जाते हैं, उसका सुलझाव करते हैं, उसका उसका एक क्या कहते हैं जवाब, जो सवाल हम दूसरों से पूछते हुए डरते हैं, हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाके, साइकोथेरेपिस्ट के पास जाके उन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। मेरा काम एज अ साइकोथेरेपिस्ट ये है कि मैं जज नहीं करूँ उस पर्सन को, उसकी जो भी सोच है, ठीक है, वो उस कमरे में घंटे के लिए वो अपने अपनी दुनिया का बादशाह या अपनी दुनिया की वो मलका है, ठीक हो गया। सोच उनकी जो सी है वो उतनी ही सच्ची है जितनी बाकी दुनिया सच्ची है। तो रीअश्योरेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी होता है, यानी कि हर चीज़ जो सी है वो पसे पर्दा रहती है, कोई भी चीज़ जो सी है वो खुले आम मंजर पे नहीं शामिल की जाती। तो इसके थ्रू फिर वही होता है कि वो आहिस्ता 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 सेशंस के दौरान अपने आप के अपने जो उलझने होती हैं उनका सुलझाओ की तरफ वो रमदार होते हैं, एंड दैट्स हाउ दे। माशाल्लाह माशाल्लाह। सो अब ये बताएं कि चलो ठीक है, इंसान स्ट्रेस्ड है और आपने उसकी थोड़ी सी वो फैक्टर्स बताई हैं, तो हम एज अ कम्युनिटी, आपने कहा ये कम्युनिटी नहीं जानी, यू नो, इस चीज़ को नहीं रिकगनाइज करती, तो हम अपने व्यूअर्स को ये चीज़ क्या हम आज सिखा सकते हैं कि आपने अपनी कम्युनिटी को कैसे नज़र रखी, या कैसे आप हेल्प करना शुरू कर दें, या बल्कि अपने आप को कैसे डायग्नोज करें? क्योंकि मेरे ख्याल से अक्सर ये भी होता है कि कुछ लोग स्ट्रेस में जा रहे भी होते हैं, एंग्जाइटी में जा रहे होते हैं, डिप्रेशन पहुंच भी चुके हैं, लेकिन उनको पता भी नहीं होता, पता भी नहीं होता तो वो कब तक और कहाँ से वो, यू नो, व्हेन इज द बेस्ट टाइम फॉर देम टू गो टू हेल्प? मतलब है उनको जब स्ट्रेस में जा रहे हैं हेल्प में लेंगे, या जब स्ट्रेस, क्योंकि वो तो सबसे, क्योंकि दे से प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हां, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। जब स्ट्रेस एंग्जाइटी के थ्रेशोल्ड पे क्रच होता है, यानी कि जब वो ग्रीन से एम्बर पे जा रहा है, तो आप अपना जब वो गाड़ी को करते हो रेडी के, फुट ऑन द पेडल, टेक द एक्शन, देन डोंट लेट इट गेट टू डिप्रेशन। डिप्रेशन तक बहुत देर हो चुकी होती है, ठीक है। तो इट्स नॉट, मैं ये नहीं कह रही कि डिप्रेशन इज क्योरेबल नहीं है, इनक्योरेबल, लेकिन क्यों, वही बात है ना, इतने दूर जाने की जरूरत क्या है? पहले ही आप अपने अंदर जो, अपने अंदर जो आपकी एहसासात और आपकी जो नफसियात शिफ्ट हो रही है, जो बदल रही है, उसको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, ठीक है ना। आपको, आपसे बेहतर, मुझसे बेहतर नहीं जानता कि मुझे किस चीज़ पे खुशी मिलती है और उस पर खुशी नहीं मिल रही। किस इंसान से मिलके मुझे जो है वो पहले बड़ा अच्छा लगता था, वो अच्छा नहीं लगता, क्या काम करने से मुझे खुशी मिलती थी, ये सब चीज़ें मैं अपनी जानती हूँ। मैं इनको कहती हूँ द इनर कंपस, ठीक है। हम किबला को ढूंढने के लिए कंपस यूज़ करते हैं ना, हम अपने अंदर भी एक कंपस यूज़ करना चाहिए, या मैं उसको कहती हूँ इमोशनल GPS, ठीक हो गया ना। तो ये हम जब जानेंगे ना कि मुझे इस बात पे रोना क्यों आता है ज़्यादा, इस बात पे हंसी क्यों आ रही है, सब कुछ आप अपना, वो कहते हैं इंग्लिश में फाइन टूथ कॉम के साथ अपना मायना शुरू करते हैं, बारीक कमी के साथ अपना, अनहील्ड एपिसोड्स हैं मसला, यस एग्जैक्टली, मतलब ट्रॉमा होता है वो, अनहील्ड एपिसोड्स हैं, मतलब जो हमने अभी तक हील भी नहीं की है। क्योंकि कुछ कभी कभी ऐसे भी होता है मेरे ख्याल से, चाहे जितना भी इंसान कामयाब है, मेरे ख्याल से ये भी होता है कि कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, वो बंदा जो नाकामयाब है उसको ज़्यादा सोचे आती हैं, वो भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सबसे ज़्यादा कामयाब लोग भी डिप्रेशन में चले जाते हैं, exactly. क्योंकि वो, उन्होंने अपनी चीज़ को वो हील नहीं किया, उस एपिसोड को हील नहीं किया। शायद उनकी लाइफ स्टाइल अच्छी जा रही होगी, लेकिन उनके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं जा रहे, क्यों नहीं जा रहे, और उसको वो पीछे हम, ये तो आप, ये आपका काम है कि उनको ढूंढना कि you know where does it come from, like कहां से root cause, कहां पे था, जब root cause हमें मिलता है हम उसकी जड़ें निकाल के उसका हल भी कर सकते हैं। बेशक बेशक। अब अच्छी बात की, क्योंकि हम ज़्यादातर ये सोचते हैं कि ज़्यादातर 90% ऑफ टाइम लोग सिम्टम्स को देखते हैं, जो उसका रूट कॉज होता है, जो मकसद, जिस जड़ से वो चीज़ पैदा हुई है उसको नहीं देखा जाता। तो साइकोथेरेपी में, साइकोलॉजी में ये चीज़ जो होती है उसकी जड़ को हम पकड़ते हैं, ठीक है, उस पर हम जो है काम करते हैं ताकि वो ब्रांच आउट पर दोबारा किसी और नए तरीके से ना आ जाए। ट्रोमा बहुत बड़ा एक होता है, चाइल्डहुड ट्रोमा हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस हमारी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा है,
उसके थ्रू बहुत ज़्यादा ट्रोमा रिलेटेड इंसिडेंट्स होते हैं, जिससे अगर वो औरत जो सी है उस सिचुएशन से बाहर भी आ जाए तो जो उसका नफ्सियाती जो डैमेज है, जो नफ्सियाती नुकसान है, वो काफ़ी अरसे तक रहता है। उसके अलावा जो उसके बच्चे होते हैं, बच्चों ने अगर विटनेस किया डोमेस्टिक वायलेंस तो वो अलग बात है। उसके अलावा सोशल कंडीशनिंग हमारी बहुत ज़्यादा है, हमारी कम्यूनिटी की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। यंग पीपल को मैं बहुत ज़्यादा देखती हूँ जो अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर सकते, फिर वो लो सेल्फ एस्टीम, यानी कि अपने बारे में वो नेगेटिव सोच रखना शुरू करते हैं, अपनी जो खुद एतमादी खो देते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें, यानी कि एक मैं कहती हूँ ना कि आपने शुरू किया ना, शुरू कहाँ से करना है, शुरू अपने घर से करो, ठीक है। आई थिंक अनदर थिंग इज़ जो आपने बहुत अच्छी पॉइंट बोली है कि हमें दूसरों को घरों को देख के अपने घर को नहीं तबाह करना चाहिए। मसलन कि कुछ किसी की फैमिली हाई परफॉर्मेंस कर रही है, मसलन यू नो हम कहते हैं नहीं हमारा बच्चा क्यों नहीं इतने अच्छे ग्रेड ले आ रहा, मेरे ख्याल से वहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है। वी आर ऑलवेज लुकिंग कि वो हमसे क्यों बेहतर कर रहा है। हम इट डजंट मैटर, हर इंसान की और हर बच्चे की अपनी काबिलियत है, जब हम उसको अप्रिशिएट करना शुरू कर देंगे वो अपनी काबिलियत का पैशन लेके आएगा। तो मेरे ख्याल से ये सबसे बहुत बड़ा इश्यू है हमारी कम्युनिटी के, वी आर ऑलवेज लुकिंग आउटसाइड द बॉक्स, हम कंपैरिजन करते हैं ना, कंपैरिजन, एंड यही तो हमारी दुनिया तबाह हो रही है इस तरह से, बिकॉज़ वी आर ऑन अ रोबोटिक स्टेट। नहीं हमें उससे बेहतर है, रियल लाइफ कंपटीशन स्टेट, एग्जैक्टली कंपटीशन है ही नहीं है, बस सबसे अच्छे इंसान बनो, एग्जैक्टली 100%। और आइंस्टाइन बड़ी अच्छी खूबसूरत बात की थी, उसने कहा था कि अगर एक मछली को आप उसके दरख्त पर चढ़ने की सलाहियत से पहचानोगे तो सारी जिंदगी अपने आप को स्टूपिड समझेगी। बिल्कुल ठीक है। अब आपका बच्चा मछली है तो आप उसको दरख्त पर चढ़ने का चीता बनाने की कोशिश करो तो क्या करेगा, सारी जिंदगी तो यही सोचेगा ना कि मैं पानी से निकले बाद वो तो कहेगा ना कि पानी मेरा सांस रुक रहा है, ठीक है ना। तो यानी कि आप अपने बच्चे की नफसियात को समझने की कोशिश करो, आप अपनी नफसियात को समझने की कोशिश करो। किताबें हैं हमारे पास इंटरनेट है, हम आप ऐसे स्टेज ह्यूमैनिटी में रह रहे हैं कि हमारे लिए बहाना रहना ही नहीं चाहिए कि हमें अपने मसाइल के जो है सोल्यूशंस नहीं मिलते। मेरा पाकिस्तान में चैरिटी है, मैं साइको सोशल एजुकेशन पे काम कर रही हूँ, एंड अनफॉर्चुनेटली कहने की बात तो नहीं है लेकिन हर जगह पे इसका टैबू है, कम्युनिटी का इशू होता है, ज्योग्राफी का इशू नहीं होता। हमारी कम्युनिटी का एक स्टिग्मा है अटैच्ड कि हम एक लफ्ज़ बड़े अच्छे तरीके से, बड़े इंसल्टिंग तरीके से किसी को कहते हैं कि पागल है ये, ठीक है। तो नो वन इज पागल, अगर होते तो सब पागल हैं, ठीक हो गया, क्योंकि हम सब के अंदर मेंटल इलनेस है, सबके अंदर कुछ ना कुछ कमी है। आस्किंग फॉर हेल्प, किसी से मदद मांगना शर्म की बात नहीं है। इसमें वो एक हमारा एक और मैं कह सकती हूँ बहुत बड़ा डायलेमा है हमारी कम्युनिटी का, लोग क्या कहेंगे जी, वो जिस दिन ये ख़त्म हो गया हमारा बहुत कुछ मसले मसाइल। वही तो मैं कह रही हूँ, लोग इसी तो मैं पहले जैसे कह रही थी कि एक बच्चा अच्छा कर रहा है, हम कंपेयर करते हैं अपने नेबर के साथ, एंड आई थिंक दिस इज़ समथिंग जो हमें, जिस तरह आपने बहुत अच्छी मिसाल दी अल्बर्ट आइंस्टाइन की, तो अल्लाह करे कि जो लोग हमारे देख रहे हैं उन इस चीज़ को अपनाएं और समझें कि जितना हम अपने बच्चे को अच्छी काबिलियत समझेंगे तो वो ऐसे ही करेगा। लाइक यू नो, एंड आई थिंक मैंने एक और भी स्टडी पढ़ी थी कि वो कहते हैं ना एफर्मेशंस जो कहते हैं, तो एफर्मेशंस आई एम नॉट श्योर 100% उर्दू में क्या कहते हैं, लेकिन यह है कि सेल्फ टॉक, जिस तरह हम अपने आप से बात करते हैं उसको एफर्मेशंस कहते हैं। तो बचपन से जो भी हम एफर्मेशंस बच्चों को कह रहे हैं वही चीज़ उनके अंदर बिल्ट हो रही है, बल्कि वही चीज़ जब बच्चा ग्रो हो रहा है तो वही इन्वायरमेंटल स्टेट की वजह से वही जो बातें कही हुई सुनी हुई कि नहीं तुम कामयाब नहीं हो सकते, या हम कभी कामयाब नहीं हो सकते, हमारे पास कभी पैसा नहीं आ सकता, तुम्हें तो बीमारी लगनी है क्योंकि तुम्हारे दादा को लगी, तो ये सोचे जब हम पैदा करते हैं एंड हम अपनाते हैं तो वैसे ही हमारी ज़िंदगी होना शुरू हो जाती है। एंड ये चीज़ मेरे ख्याल से हर किसी को, लाइक हमारी कम्युनिटी को पता भी नहीं कि जैसे हम सोच रहे हैं वैसे हम अपनी ज़िंदगी बना रहे हैं। हाँ बेशक बेशक, इसको कहते हैं सोशल स्क्रिप्टिंग या सोशल कंडीशनिंग। तो हमने ये होता है कि हमने, क्योंकि ये बहुत बासी और बसीदा ट्रेडिशंस को कल्चर के नाम पे, वैल्यूज़ के नाम पे अपनी ज़िंदगी में रखा हुआ है, जिस तरह कह सकते हो कि पुरानी चीज़ों को फेंक देना चाहिए, रिसाइकलिंग करनी चाहिए, अपने घर को आप डीक्लटर करो, इस तरह अपने दिमाग को भी डीक्लटर करो, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, माइंड साइंसेज हैव डेवलप्ड, बहुत ज़्यादा आगे निकल गए। जैसे आपने कहा कि हम बच्चों को शुरू से कहेंगे ना कि तुम हो नालायक ही हो और तुम नालायक ही रहोगे, वो उसकी सोशल कंडीशन, वो एक्सपेक्टेशन पे, वो फिर अपने बड़ों की एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए सारी जिंदगी जस्तजू करेगा या करेगी, बड़ों के मतलब जो भी उसके आस पास के लोग आएंगे, उसके हस्बैंड वाइफ, हुएवर इज देयर। हमें एक और बड़ी हमारे कम्युनिटी में इशू है, वो है डिजीज टू प्लीज। सबको खुश करना है, ठीक है, सबको सबको सबकी हाँ में हाँ मिलानी है। मैं एक चीज़ कहती हूँ अपने क्लाइंट्स को,
मैं कहती हूँ जब आप दूसरों को हाँ कह रहे होते हो, आप अपने आप को ना कह रहे होते हो, तो आप दिन में देखोगे आप अपने आप को कितनी दफ़ा ना करते हो, क्योंकि आप दूसरों को हाँ कह रहे हो। जिस दिन आपने दूसरों को ना की और अपने आप को हाँ करने शुरू कर दी, उस दिन आपका दिन बड़ा अच्छा गुजरेगा। जब अपने अपनी ज़ात को हम ख़त्म करके, वो कहते हैं ना कुर्बानी के बकरा बनने की, बकरी बनने की कोशिश करते हैं, तो फिर हमें खुशी नहीं मिलती, हमें सिर्फ दुख मिलता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि एक्सपेक्टेशंस आर द बिगेस्ट कॉज ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। ठीक है, हम जब उम्मीद लगाते हैं ना दूसरों से, क्योंकि हमें हम बात क्या कहते हैं ना, वो एक बात है कि आप अपनी उम्मीद दूसरों से क्यों लगा रहे हैं, ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है, बिल्कुल अपने साथ भी और दूसरों के साथ भी। ठीक है, आप अपनी उम्मीद अपने साथ लगाओ और अपने अंदर वो उम्मीद पूरी करने की काविश करो, कोशिश करो, और अपने बच्चों को और अपने जो आपके घर में दूसरे लोग हैं उनके साथ अपने आप को कंपेयर मत करो। जी आपके रिश्तेदारों में कोई भी सक्सेसफुल है, वो अपनी ज़ात के थ्रू सक्सेसफुल हुए हैं या हुई हैं, ठीक है ना, आपको उस तरीके से नहीं करना, आपने अपने तरीके से अपना रास्ता बनाना है। ये जो बिल्कुल बात है ना कि हम जो एक ही रास्ते पे, वो कहते हैं ना लकीर के फकीर बात है एक ना, जी तो वो होता है कि ना किसी पे चलते हैं, जो जिधर गया उसी के पीछे चलें। हर इंसान का अलग रास्ता है, हर इंसान लेकिन की वो एक अलग अलग वो रास्ता है, कैसे ढूंढे, अपनी हमारे अपनी वो पहचान कैसे अपनी सोचे, लाइक पहचान और या वो क्या कहते हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन कह सकते हो, इदराक, अपना हिसाब किताब खुद आप करो। हमारे दीन में है ना कि सबसे बड़ा जिहाद क्या है, जिहाद नफ्स। नफ्स बिल्कुल क्या चीज़ है? नफ्स ये है जो हमारी माइंड और हमारा हार्ट की कम्युनिकेशन है। हम जो सोचते हैं, हम जो बात करते हैं, हम जो नीयत रखते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। हम जब किसी के बारे में सोचते हैं, हम उसके बारे में क्या महसूस करते हैं, हम क्या नीयत रखते हैं उसके बारे में, नेक नीयति का क्या कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। हमें पहले तो अपने अंदर से सफाई करनी है, ठीक है ना, फिर हम बाय का वजू कर लेंगे, मसला वो नहीं है। नहीं, वही हमने तो सफाई है ना, मतलब ये कि जिस तरह आपने कहा कि लोग क्या कहेंगे, हमें ज़्यादा लोगों की फिक्र होती है, अल्लाह डर की होता फिक्र है, नहीं, एग्जैक्टली अल्लाह का डर नहीं होता नहीं कि अल्लाह हमारा का रब हमें नहीं, देख रहा है, हमें ये चीज़ फील ही नहीं होती है, हमें ये बेशक फिक्र होती है कि अब ये फलाना क्या कहेगा, अब ये अगर मैंने ना की तो ये क्या सोचेंगे, अच्छा अब यहाँ किसी को आजकल आई थिंक ये कहना ज़रूरी है, किसी को चीज़ को परवाह नहीं होती, टू बी ऑनेस्ट, हर कोई अपनी ज़िंदगी देख रहा है, अपनी ज़िंदगी मस्त में है, तो उसको परवाह ही नहीं है कि वो लाइक व्हाट द अदर पर्सन इज़ डूइंग। मेरे ख्याल से ये सिर्फ एक जहनी सोच है कि ये लोग क्या एक कहेंगे, जहनी अगर लोग कहेंगे भी ना एक दो दिन कहेंगे तो चुप हो जाएंगे जहनी पसमानदगी बिल्कुल को कह सकते हो आप ना, एक लिमिटेड सोच सिस्टम है। और बात ये आ गई कि अब तो हमारा जो ह्यूमंस का भी रिसर्च हुई है, ह्यूमंस का जो अटेंशन स्पैन है 11 सेकेंड्स है, अच्छा क्योंकि हम ये सोशल मीडिया वगैरह यूज़ करते हैं, तो हमारा हर सेकंड में वो चेंज होता है, माइंड चेंज हो रहा है, न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से हमारा दिमाग जो चेंज हो रहा है कि हम किस तरीके से कितनी टाइम किसको फोकस करते हैं। तो अगर आप एक चीज़ को बैठ के सुबह उठते हो, कहते हो कि हाँ मेरी नेबर ने आज मुझे ये जोड़ा पहन के देख लिया तो मेरे बारे में ये सोचेगी, आपने उसकी एक सेकंड की सोच को अपने पूरे दिन के ऊपर हावी कर लिया। हालांकि वो आपको देखेगी 3 सेकंड के बाद उसको कुछ और याद आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आप अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी से जीना शुरू करो, दूसरों की कैद, दूसरों की सोच की कैद में से निकलेंगे जिस दिन, तो आप आज़ादी की हवा को महसूस कर सकते हैं। जिस दिन आप अपने जहन को आज़ाद करेंगे, मैं अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ कि अपने जहन में खिड़कियाँ खोलो, बहुत अच्छी बासी पॉइंट किया आपने, पसमानदा सोच को सफ़ेकेशन के थ्रू अपनी ज़िंदगी मत गुजारो, खिड़की खोलो और हवा आने दो बेशक। एग्जैक्टली हवा आने दो, सूरज भी आने दो, लेट द रेन कम इनसाइड। तो वही तो चीज़ है ना, इट्स लाइक आपने लाइक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट कहा है, क्योंकि इट्स लाइक यो आपके जहन को फ्रेश एयर चाहिए होता है, एंड इट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। जिस तरह मेरे ख्याल से डिप्रेशन का एक और भी एक अच्छा टिप है कि अगर आप किसी चीज़ में बाबा सोच रहे हैं, अपने आप को माइंड को डाइवर्ट करना शुरू कोशिश कर दें, यू नो चेंज इट टू समथिंग एल्स, लाइक डिवर्ट इट टू समथिंग हैप्पी, जो चीज़ आपको खुश करने कर रही करती है उसी में आप थोड़ा सा टाइम वक्त गुजारो, एंड यू विल सी द मैसिव डिफरेंस कि सिर्फ आपकी सोच थी। वन थॉट, यू यस वन थॉट अवे फ्रॉम चेंजिंग योर होल डे। एक सोच दिन में, अगर सब पहले तो मैं पहले एक बहुत कहती हूँ काम लोगों, जब मैं ट्रेनिंग में करती हूँ, थेरेपी जब भी करती हूँ, मैं कहती हूँ कि पहला जो आपका होता है ना कि आप अभी आंखें बंद होती हैं और आप फ़ोन ढूंढ रहे होते हो, ये रोक दो, क्योंकि आप पहले ही एक एग्जिट फायर एग्जिट ढूंढ रहे हो दिन में से। आप कह रहे हो कि किसी और की ज़िंदगी में झांक जाऊँ मैं, बिल्कुल ताकि मेरी ज़िंदगी में, पहले 5 मिनट अपने आप को दो, अपने और अपने मालिक के साथ कम्युनिकेट करो, माशाल्लाह ठीक है, यस अपने अपने ज़ात को स्कैन करो, ताकि आपको पता चले कि आप पहले तो शुक्र अदा करो कि आपकी आंखें खुली हैं, माशाल्लाह, ऑफ आपको कोर्स अल्लाह सुबहान ताला ने ज़िंदगी का एक एक और और नया मौका दिन, दिया, यस आप नियत करो कि आज मेरा दिन किस तरह गुजरेगा, ठीक हो गया।
ये हमारा जो मैं क्या कह सकती हूँ, डाइवर्जन का जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना, हमारा हो गया कि हमारी ज़िंदगी की कितनी, हम इसको इतना बोरिंग बना लेते हैं हमारी अपनी सोच के थ्रू, कि हम दूसरों की ज़िंदगियों में, दूसरों की खिड़कियों में झांकते हैं, अपनी अपनी खिड़की कभी कोई बात आगे नहीं खोलते, ठीक हो गया। तो बात यह है कि हमने सोचना ये है कि छोटी छोटी आते हैं, छोटी छोटी बिहेवियर्स को चेंज करो। सुबह उठ के फ़ोन मत, 5 मिनट के लिए चाहे जितना भी दिल करे ना फ़ोन मत उठाओ। मैं क्या तो कहती हूँ 2 घंटों तक भी मत, बिकॉज आई थिंक सुबह उठ के पहले अपने काम तो पूरे कर लो। हाँ हमेशा, इंस्टेंटली न्यूज़ आएगी, सोशल मीडिया आएगा, तो बंदा जो है ना स्ट्रेस में आ जाता है। एग्जैक्टली, वो आप फ्लड कर देते हो ना, फ्लड गेट्स ओपन हो जाते हैं आपके दिमाग को। प्लान करो कि आज मैंने ये दिन ये इतना करना है, ये इसके बारे में, अपने बारे में ये सोचना है और दूसरों के बारे में किस तरह सोचना है। वो कहते हैं कि अपने बारे में हमेशा अपने में नुक्स निकालो, दूसरों में खूबियाँ ढूंढो। यस, माशाल्लाह, यू करते हैं। थैंक यू, दिस इज़ व्हाट हैपेंस ना, दिस इज़ हाउ वी डू। बिल्कुल, थैंक यू फॉर योर टाइम। अभी हमारा वक्त क्लोज में आ रहा है। जिस तरह मिसबाह ने हमें बहुत सारी अच्छी बातें बताई हैं आज के, सुबह उठ के अपने टाइम को कैसे आप यूज़ कर रहे हैं, सुबह उठ के कभी फ़ोन मत उठाएं, इसमें आप में कब देखेंगे आपके जहन में कितना असर पड़ेगा। आप सिर्फ एक हफ्ते के लिए ये ट्राई करें, फ़ोन को साइड पर रखते हैं, सुबह उठें, अल्लाह को याद करें, यू नो, बी ग्रेटफुल फॉर द थिंग्स दैट यू हैव। बेशक सिर्फ उठ उठ के, मेरी एडवाइस ये है कि 3 चीज़ें जो है ना, आप ग्रेटिट्यूड लेना शुरू कर दें, शुक्र अदा करें, और आप देखना कि आपकी ज़िंदगी कैसे सरना शुरू हो जाएगी। और साथ में ये भी शुक्र अदा करें या कि किस चीज़ों से आपसे प्यार है या मोहब्बत है। यू नो, अल्लाह ताला ने आपको एक बिस्तर दिया सोने के लिए, खाना भी दिया और एक छत भी दिया जिसमें आप रह रहे हैं, तो आप देखना कि स्लोली स्लोली आहिस्ता आहिस्ता आपकी ज़िंदगी अच्छी होना शुरू हो जाएगी। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग उम्मीद सहर।